डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे मुख्यमंत्री की, उसके पद की, प्रक्रिया की और शक्तियों की। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि टॉपिक आखिर चर्चा में क्यों है। कुछ राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले कई राजनीतिक दल अपने अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवारों के नाम पर मंथन कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं मुख्यमंत्री के बारे में। मुख्यमंत्री किसी राज्य का वास्तविक कार्यकारी प्रधान होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के मुताबिक मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। विधानसभा चुनावों में बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल के नेता को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल जहां नाम मात्र का कार्यकारी प्रधान होता है, वहीं वास्तविक कार्यकारी सत्ता मुख्यमंत्री के पास होती है। एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उसे 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन इस अवधि के भीतर उसे राज्य विधानमंडल का सदस्य बनना होगा और ऐसा न होने पर वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। चलिए अब बात करते हैं मुख्यमंत्री के कार्यकाल की। तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, बल्कि वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। जब तक उसे विधानसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त है, तब तक उसे राज्यपाल द्वारा बर्खास्त नहीं किया जा सकता। राज्य विधानसभा भी उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करके उसे हटा सकती है। अब बात मुख्यमंत्री पद से जुड़ी शक्तियों और कार्य की। मुख्यमंत्री के पद से जुड़ी शक्तियों कार्य की बात करें तो पहले बात करते हैं मंत्रिपरिषद के संबंध में। तो राज्यपाल केवल उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। वो मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन और फेरबदल करता है। वह पद से इस्तीफा देकर मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है, क्योंकि वह मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। अब बात करते हैं राज्यपाल के संबंध में उसकी शक्तियां और कार्य क्या हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 167 के तहत मुख्यमंत्री राज्यपाल और राज्य मंत्रिपरिषद के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। मुख्यमंत्री राज्य के महाधिवक्ता, राज्य चुनाव आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों आदि जैसे महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्तियों के संबंध में राज्यपाल को सलाह देता है। वहीं राज्य विधानमंडल के संबंध में कुछ प्रमुख कार्यों की बात करें तो सदन के पटल पर उसके द्वारा सभी नीतियों की घोषणा की जाती है व राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सिफारिश करता है। और आखिरी में बात मुख्यमंत्री के पद से जुड़े कुछ अन्य कार्यों की। मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। वह बारी बारी से संबंधित क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। वह अंतर्राज्य परिषद और नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल के सदस्य के रूप में अपनी भूमिका निभाता है। वह राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। वह आपात स्थिति के दौरान राजनीतिक स्तर पर क्राइसिस मैनेजर इन चीफ होता है। राज्य के एक नेता के रूप में वह लोगों के विभिन्न वर्गों से मिलता है और उनकी समस्याओं के बारे में उनसे ज्ञापन प्राप्त करता है। चलिए अब नोट कर लीजिए आज के एपिसोड का अभ्यास प्रश्न। मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, किसी राज्य का वास्तविक कार्यकारी प्रधान होता है। कथन दो है, इसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। और कथन तीन है, एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उसे 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही है ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी सभी तीन, या फिर ऑप्शन डी कोई भी नहीं। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।